हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहित गोयल फ्रॉम आयुर्वेद स्किन क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोडर्मा पे। ल्यूकोडर्मा जिसे सफ़ेद दाग और विटिलिगो भी कहते हैं। ल्यूकोडर्मा की देखी जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें कोई इचिंग नहीं होती। ये कॉस्मेटिकली मतलब इफेक्टेड एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारा मेलानोसाइट पिगमेंट थोड़ा बनना बंद हो जाता है। जिस पर्टिकुलर एरिया में ये बनना बंद होता है वहाँ पर वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये वाइट पैचेस आते क्यों हैं या फिर पिगमेंट जो होता है मेलानोसाइट्स जो अपना काम करना बंद क्यों कर देते हैं, पिगमेंट बनना बंद क्यों हो जाता है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विटिलिगो को लेकर या फिर ल्यूकोडर्मा को लेकर। तो आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें विटिलिगो के लिए। सबसे पहले बात आती है कि ल्यूकोडर्मा की प्रोग्रेस या फिर रिकवरी के बारे में। तो हम कहते हैं कि डाइट, आपकी डाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपके ल्यूकोडर्मा के बढ़ने या घटने में। तो डाइट के लिए मैंने एक डाइट चार्ट सब वीडियो के एंड में मेंशन करा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आपको डेफिनेटली इफेक्ट मिलेगा ल्यूकोडर्मा में। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इज इट कम्युनिकेबल, क्या ये छुआछूत से फैलती है? बिल्कुल नहीं, अपने दिमाग में इस टाइप का कोई क्वेश्चन मत लाइए। ये बिल्कुल छूने से नहीं फैलता, इवन किस करने से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी नहीं फैलता। कुछ लोग अपने पार्टनर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि विटिलिगो जो सफ़ेद दाग है वो किसी कीड़े की वजह से होता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइप का कोई कीड़ा नहीं होता जो सफ़ेद दाग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसमें मेलानोसाइट्स होते हैं हमारे शरीर में, मेलानोसाइट्स वर्क करना बंद कर देते हैं या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के जो सेल्स होते हैं वो किल हो जाते, मर जाते हैं। इस वजह से पिगमेंट आना बंद हो जाता है। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, कुछ डिसीज ऐसी हैं जो फंगल इन्फेक्शन होती हैं, जैसे टायरेसिस बर्सिपुरा है, कुछ डिसीज हैं टायरेसिस एल्बा है, ये सफ़ेद दाग जैसे पैचेस हो जाते हैं इसके अंदर, मगर वो सफ़ेद दाग नहीं है। तो इस टाइप की जो बीमारियों से थोड़ा कंफ्यूज ना हो, उनसे बचने के लिए अपने आसपास के जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट करें। अगर मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं तो मेरे को मेल कर सकते हैं, क्लिनिक पर आकर के भी दिखा सकते हैं उसके लिए। कुछ लोगों का सोच है कि सफ़ेद दाग सही नहीं होता, क्यूरेबल नहीं है, मगर अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल नहीं, सफ़ेद दाग क्यूरेबल है। अगर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो उस पर ट्रस्ट रखिए, थोड़ा लंबे टाइम पीरियड तक उस पर ट्रस्ट बनाकर ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि सफ़ेद दाग थोड़ा लॉन्ग टर्म डिसीज़ है, इसमें टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, कलर आने के अंदर। बाकी मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे फोटोथेरेपी आप करवा सकते हैं, आप लेज़र करवा सकते हैं 308 नैनोमीटर वेवलेंथ में जो लेज़र होती है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करती है और टारगेट करती है मेलानोसाइट्स को पिगमेंट बनाने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप पैच स्किन ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं, आप मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो पिगमेंटेशन एक नई टेक्निक है जिसमें सेम कलर का पिगमेंट जो है हम माइक्रोनीडल से पेनिट्रेट करते हैं आपकी स्किन में, तो वो कलर मैच कर जाता है। वो रेजिस्टेंस केसेस में होता है जहाँ पर आपका कुछ मतलब 8 से 10 महीने तक हम एक पर्टिकुलर पैच को हम कंसंट्रेटेड करें, ट्रीटमेंट दें हर टाइप का और रिजल्ट नहीं आता, तो वहाँ पर हम माइक्रो पिगमेंटेशन वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मेल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर नई टेक्नोलॉजी या फिर नई कोई थेरेपी आती है विटिलिगो के लिए, ल्यूकोडर्मा के लिए, मैं बिल्कुल आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।